Yes, good morning students. सेम टॉपिक हमारा सिमिलर ट्रायंगल चल रहा था और आपको मैंने बीपीटी थ्योरम और उसका कन्वर्स करा दिया था और 6.1 एक्सरसाइज और 2 बोथ आर कंप्लीटेड और 6.3 एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि उसमें सिमिलैरिटी क्राइटेरियन जो है वो कौन कौन सा यूज होता है। ठीक है, दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए आपका जो क्राइटेरिया यूज होता है, एक तो है एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एक है दो साइडों के बीच का कंटेनिंग एंगल, और थर्ड है अगर एक ट्रायंगल की थ्री साइड्स दूसरे ट्रायंगल की थ्री साइड्स के प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं, देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे आपको, 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे। टुडे आई एम टेकिंग द 7th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, आप अपने बुक ओपन कर सकते हो, एक्सरसाइज 6.3 का 7th क्वेश्चन जो है वो मैं ले रही हूँ, और 7th क्वेश्चन में क्या सिमिलैरिटी यूज होगी आपने उसको अच्छी तरह से देखना है। देन वन बाय वन मैं आप लोगों से भी क्वेश्चन कर सकती हूँ कि यहाँ पर कौन सा एंगल किसके सिमिलर है, तो थोड़ा ध्यान देना है सब बच्चों ने कि आज मैं क्या करा रही हूँ। यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान देंगे कि आज क्या टॉपिक चल रहा है और उसको किस तरह से आपने उसका आंसर देना है। ठीक है, ध्यान से देखो सब बच्चे, पहले मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। इन द गिवन फिगर एल्टीट्यूड एडी एंड सीई ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। आप अपनी बुक में देखो, ट्रायंगल एबीसी है, ध्यान से देखना, और अगर आपको एक चीज प्रूव करनी आ जाती है तो सेकंड आप इजीली प्रूव कर पाओगे। ट्रायंगल एबीसी में सीई और एडी, एडी और सीई ठीक है, ये दोनों क्या हैं, एल्टीट्यूड्स हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड एडी एंड सीई, यहां पर ए पॉइंट यहां लिखा हुआ है, जिस तरह से बुक में लिखा हुआ है आप सेम उसी तरह से लिखना। तो एडी आपका कहां से बनेगा एल्टीट्यूड, वो यहां से बनेगा। ठीक है, एडी और सीई, ठीक है, ये इस तरह से बना हुआ है, जिस तरह से आपका बना हुआ है सेम आप उसी तरह से फिगर बनाओगे जो फिगर आपको गिवन है। ठीक है, इन द गिवन फिगर एल्टीट्यूड एडी एंड सीई ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। ठीक है, उसके बाद आपको चार चीजें प्रूव करनी है। नंबर वन क्या प्रूव करना है, मैं सब चीज लिख रही हूं ताकि आपको इजीली फिर समझ आ सके। आपको नंबर वन प्रूव करना है, ट्रायंगल एईपी सिमिलर है ट्रायंगल सीडीपी, और सेकंड चीज आपको प्रूव करनी है ट्रायंगल एबीडी सिमिलर है, ये सिमिलर का साइन है, ट्रायंगल एबीडी सिमिलर है ट्रायंगल सीबीई, और थर्ड है ट्रायंगल एपी सिमिलर है ट्रायंगल एडीबी, और फोर्थ चीज आपको प्रूव करनी है ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर है ट्रायंगल बीईसी। अब ध्यान से देखो आपको किस तरह से सारी चीजें जो हैं वो आपको सिमिलर करनी है। आपके पास गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है आपके पास, गिवन में क्या दे रखा है आपके पास, एडी और सी जो है वो एल्टीट्यूड है, एडी भी एल्टीट्यूड है,
और सीई भी एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड जो है अपोजिट साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, यहां पर लिखो एडी एंड सीई आर एल्टीट्यूड, आर एल्टीट्यूड ऑन सीई, जो एल्टीट्यूड है वो एबी पर है और एडी जो है वो एल्टीट्यूड है बीसी पर, ऑन एबी एंड एसी, एबी एंड बीसी। ठीक है, एक बार फिर से जो पहले मैंने लिखा है वो रिपीट करूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक बार ध्यान से सुनो, हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास गिवन है एक तो एडी और सी जो है वो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड जो होता है वो अपोजिट साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, राइट। नंबर टू, आपको क्या चीजें प्रूव करनी है, ये चारों चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। अब वन बाय वन हम हर एक चीज लेंगे और हम इसे प्रूव करेंगे। देखो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है एईपी, तो कौन सा ट्रायंगल हुआ, ये वाला ट्रायंगल। ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है और आपके फोर फोर मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, फोर फोर के। तो ये एक तो ट्रायंगल है आपका एईपी, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है आपका सीडीपी, कौन सा ट्रायंगल है सीडीपी, ये वाला ट्रायंगल सीडीपी, ये दो ट्रायंगल है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था रूल जो है सिमिलर करने के, एक तो एंगल एंगल सिमिलरिटी है और दूसरा है दो साइड्स और बीच का कंटेनिंग एंगल और तीसरा है साइड साइड साइड। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे सिमिलर करें, देखो इन दो ट्रायंगल में कौन से दो एंगल, मैंने आपको बताया था कि एक ट्रायंगल के अगर दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के अगर दो एंगल्स के इक्वल हो जाते हैं देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो बराबर होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, बताया था ना आपको। तो यहां पर ये वाला एंगल वन जो है इस ट्रायंगल का एपीई, एंगल वन जो है वो इक्वल है एंगल सीपीडी, इसको एंगल टू का नाम दे दिया मैंने। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब प्रूव करने का टाइम आता है तो ये चीज तो नोट दिमाग में नहीं करते हैं फिगर को, और प्रूफ में क्या लिख देते हैं, क्योंकि उनकी कॉपी में ये लिखा होता है कि मैम ने लिखवाया था एंगल वन बराबर है टू, तो वो वन और टू तो लिखाते हैं पर ये मेंशन करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर शो करना भी जरूरी है कि एंगल वन जो है और एंगल टू मैंने कहाँ पर दिखाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो वर्टिकली अपोजिट हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज अगर हमारा एईपी, ये वाला जो एंगल है एईपी, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, एल्टीट्यूड 90 डिग्री फॉर्म करता है ना, तो ये वाला एंगल सीडीपी जो होगा अगर ये 90 है, तो एक लीनियर पेयर पर अगर एक एंगल 90 होता है तो दूसरा भी क्या होता है 90 होता है, तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो गया 90। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए ना, एक तो एंगल वन एंगल टू के बराबर हो गया और एईपी सीडीपी ये दोनों एंगल 90 डिग्री के बराबर हो गए, तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, हमारी पहली चीज प्रूव हो गई। तो लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखना हमने इसको लिखना कैसे है, ट्रायंगल एईपी में और ट्रायंगल सीडीपी में दो एंगल लिखने हैं, बार बार बता रही हूं कौन सा दो एंगल, इस वन को वन भी लिख सकते हो क्योंकि मैंने मेंशन कर दिया है, और एंगल का नेम भी लिख सकते हो। जब एंगल को लिखना हो तो किस तरीके से लिखते हैं, एपीई, एंगल एपीई। कुछ बच्चे पी और पी लिखाते हैं, P बराबर है P के, ऐसे नहीं लिखना। P एंगल इस ट्रायंगल में कौन सा है, एंगल APE, और इस ट्रायंगल में P कौन सा है, CPD, एंगल CPD, ये एंगल का साइन है, समझ आ रहा है बच्चे। और यहाँ पर AEP, एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP,
ये हमारा क्या है ईच 90 डिग्री और ये क्या है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो हर चीज को मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज अगर आपने रीजन नहीं बताया तो भी आपके मार्क्स डिडक्टेड होंगे इसमें से, ठीक है। तो आप आपका ये वाला एंगल ए पी ई और सी पी डी, ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये वाला एंगल ए ई पी और सी डी पी, ये वाला ईच एंगल 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल क्या हो गए हमारे सिमिलर हो गए, ये सिमिलर का साइन है, ठीक है। ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी के बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए। तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए, अगर ये ट्रायंगल क्या है सिमिलर है बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन, तो हम अब दूसरी चीज, ये हमारा सिमिलर हो गया एंगल एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड फिगर लेंगे, वी विल टेक द सेकंड। अब हमें सेकंड क्या प्रूव करना है, ये समझ आ गया आपको, नाउ वी विल टेक द सेकंड। Now we will take the second figure. Second figure है triangle, proof लिख रही हूं। Second क्या proof करना है, कौन से triangle है, triangle ABD, ABD, triangle ABD में, और दूसरा कौन सा है triangle CBE, CBE में। ध्यान से देखना इस फिगर को, देखो ये वाला जो ट्रायंगल है, अगर ये वाली लाइन नहीं है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सी बी ई, दोनों में बी जो है, इस ट्रायंगल का भी सी बी ई और इस ट्रायंगल का भी डी बी ए, दोनों का बी क्या है कॉमन है ना, मतलब कि इस वाले ट्रायंगल में भी बी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी बी आ रहा है, आ रहे हैं ना बेटे। तो यहां पर इसको कैसे लिखेंगे, ए बी डी का तो एंगल बी और सी बी ई का एंगल बी, ठीक है, एंगल सी बी ई, ये क्या है आपका कॉमन है, समझ आया। और दूसरी चीज, एक एंगल तो आ गया, दूसरी चीज, दूसरा हमारा ए डी बी, ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल का ए डी बी और इस वाले ट्रायंगल का, अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90 होगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे सी ई बी। तो ये ईच 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल क्या हो गए हमारे सिमिलर हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी से ट्रायंगल सिमिलर हो गए, एंगल एंगल क्राइटेरिया से, समझ आया। दूसरा भी प्रूव हो गया हमारा, नाउ वी विल टेक द थर्ड। अब हम क्या लेंगे थर्ड, थर्ड हमें क्या प्रूव करना है वो हमारा आ गया। नाउ थर्ड है हमारा, थर्ड हमें क्या करना है, प्रूफ लिखा मैंने ट्रायंगल एईपी में, इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल एडीबी में। देखो एईपी में, एईपी ये छोटा ट्रायंगल है, ध्यान से देख लेना, ये छोटा ट्रायंगल है और साथ में कौन सा है एडीबी, ये बड़ा ट्रायंगल है, एक तो ये छोटा है और एक ये बड़ा है, तो इस छोटे वाले का भी एंगल ए और इस बड़े वाले का भी एंगल ए कॉमन है ना, तो छोटे वाले ए को कैसे लिखेंगे, इस ट्रायंगल के ए को कैसे लिखेंगे पी ए ई, एंगल पी ए ई, और ये बड़े वाले ट्रायंगल के ए को कैसे लिखेंगे डी ए बी, एंगल ए क्या हो गया दोनों का कॉमन हो गया, समझ आ रहा है बेटे, समझ आ रहा है सब बच्चों को, इन दोनों का एंगल ए क्या है हमारा कॉमन है, और इस ट्रायंगल का तो एंगल ए पी 90 है
और इस बड़े ट्रायंगल का कौन सा एंगल 90 है? ये वाला 90 है, ए डी बी ईच 90 डिग्री। तो ट्रायंगल क्या हो गए हमारे? सिमिलर हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी से ट्रायंगल सिमिलर हो गए? बाय एंगल क्राइटेरिया। समझ आ गया? अब लास्ट इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? लास्ट है हमारा पीडीसी। कौन सा ट्रायंगल है पीडीसी? ये वाला ट्रायंगल है पीडीसी। और साथ में कौन सा ट्रायंगल है? पीडीसी और बीईसी। बीईसी कौन सा ट्रायंगल लिया है? ये छोटा ट्रायंगल लिया है और साथ में ये बड़ा ट्रायंगल लिया है। तो ये छोटे ट्रायंगल में और ये बड़े ट्रायंगल में, छोटे ट्रायंगल का भी एंगल सी और ये बड़े ट्रायंगल का भी एंगल सी, दोनों में आ रहा है ना, तो एंगल सी हमारा क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो थर्ड चीज हम क्या लिखेंगे? ट्रायंगल पीडीसी में, यहां पर लिखो ट्रायंगल पीडीसी में और ट्रायंगल बीईसी में, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? ट्रायंगल पीडीसी का डी 90 है और बीईसी का कौन सा एंगल 90 है? बीईसी, ये वाला एंगल 90 है। तो यहां पर लिखो ईच 90 डिग्री। और इसमें कॉमन कौन सा एंगल है? इस बड़े ट्रायंगल का बीसीई और छोटे ट्रायंगल का एंगल सी को कैसे लिखेंगे? डीसीपी। ये सी कॉमन है, ठीक है? तो ऐसे सी 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 और सी मत लिख कर आ जाना, या तो इसे नेम देना सीधा कि एंगल 3 या एंगल 4, तब तो करेक्ट है, ठीक है? या फिर आपने इसको इस तरह से लिख कर आना है। तो ये हमारा क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो ट्रायंगल हमारा पीडीसी क्या हो गया? ये सिमिलर का साइन है, ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर है ट्रायंगल बीईसी के बाय एंगल क्राइटेरिया। तो ये क्वेश्चन जो था सारा का सारा किससे सॉल्व हो रहा था हमारा? इस प्रॉपर्टी से सॉल्व हो रहा था, एंगल क्राइटेरिया। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? नाउ वी फर्दर टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. Now further I am taking the next question. हमारा next question है, ध्यान से पहले question सुना करो, उसके बाद हम करेंगे। Question है हमारा, is a point on the side AD produce of a parallelogram ABCD. थोड़ा सा नीचे बना देती हूँ ये फिगर, क्योंकि प्रोड्यूस भी करना है मुझे। एबीसीडी जो है ये पैरेललोग्राम है, ठीक है? ध्यान से देखो, और एडी साइड को प्रोड्यूस किया ई तक, एडी साइड को कहां तक प्रोड्यूस किया? ई तक। और इस तरह से प्रोड्यूस किया कि वो बी को, इसको मिलाने पर सीडी पर कहां पर मीट कर रही है? वो एफ पर मीट कर रही है, ठीक है? पहले फिगर समझ आई ना? आपको शो करने है कि एंगल ट्रायंगल ए बी ई, ये वाला जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी ई, वो सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी के, सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी के, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है? और गिवन में हमारे पास क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में? गिवन में दे रखा है एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम एंड एडी इज प्रोड्यूस टू मीट एट पॉइंट, कहां पर, किस पॉइंट पर मीट कर रहा है? ई पॉइंट पर। तो यहां पर लिखो बाय प्रोड्यूसिंग एडी एट पॉइंट ई
ठीक है, इसको एडी को बाय प्रोड्यूसिंग एडी एट पॉइंट ई और जॉइन बी टू ई, जॉइन बी टू ई मेट सी डी एट एफ, ठीक है। इसको जब मैंने इसको मिलाया इसके साथ बी को ई के साथ, तो वो सी डी को कहां पर मीट कर रहा है, एफ पॉइंट पर। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आप जब ये क्वेश्चन करते हो तो गिवन और टू प्रूव लिखना भूल जाते हो, तो आपके गिवन और टू प्रूव के मार्क्स डिडक्ट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो ऐसे नहीं करना, आपने इसको पूरा लिख कर आना है, ठीक है। अब आप इसको प्रूव कैसे करोगे, अब हम इसे प्रूव कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। पहले प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट्स एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो ये आपका पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का इस वाला ये वाला जो एंगल ए है, ये किसके इक्वल है, एंगल सी के, इसके इक्वल है एंगल सी के। तो एंगल सी कौन से ट्रायंगल में बन रहे हैं, ट्रायंगल सी एफ बी में बन रहे हैं, और एंगल ए किस ट्रायंगल में बन रहा है, ये ए बी ई ट्रायंगल में बन रहा है। अगर मुझे ये दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं तो मुझे एंगल एंगल सिमिलैरिटी अगर लगानी है तो दो एंगल मुझे चाहिए सिमिलर करने के लिए, तो मैं किस तरह से लाएंगे हम इस वाले ट्रायंगल का, ये वाली पैरेललोग्राम का एंगल ए और इस वाले ट्रायंगल का एंगल सी, वो पैरेललोग्राम के अपोजिट्स एंगल भी बनते हैं, तो ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। और दूसरी चीज, ये अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये कैसे एंगल है, अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा हो तो एक इस तरफ बना हुआ एंगल और एक इस तरफ बना हुआ एंगल, ये कैसे एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। कैसे एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। तो इस ट्रायंगल का तो ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का एंगल भी, तो दो एंगल आ गए हमारे पास, इस ट्रायंगल के भी दो एंगल आ गए, इस ट्रायंगल के भी दो एंगल आ गए, ये दो। तो ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे, सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, ट्रायंगल ए बी ई में और ट्रायंगल सी एफ बी में, ठीक है। दो ट्रायंगल में क्या क्या लिया हमने, एक तो मैंने लिया इस ट्रायंगल का एंगल ए और इस ट्रायंगल का एंगल सी। अब आप बच्चे कहेंगे कि आपने इसको ए और सी लिख दिया है, लेकिन ट्रायंगल लिया आपने ये वाला, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, ए ई बी, कैसे लिखूंगी, ई ए बी, और सी को कैसे लिखूंगी, क्योंकि वो इस ट्रायंगल में है, तो इसको कैसे लिखूंगी, बी सी एफ, या ऐसे भी पढ़ सकती हूँ एफ सी बी। कैसे पढ़ सकती हूँ मैं उसको, ऐसे भी पढ़ सकती हूँ बी सी एफ, या फिर इस तरह से भी पढ़ सकती हूँ एफ सी बी। समझ आया, तो ये तो आ गया आपका अपोजिट्स एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपका क्या आ गया, अपोजिट्स एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। यहां तक समझ आया आपको, यहां तक कोई दिक्कत है, नो। अब आपके पास ये वाले ट्रायंगल का ए बी ई और ये वाले ट्रायंगल का सी एफ बी, ये आपके कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आपके ट्रायंगल्स क्या हो गए, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी एफ बी के, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एंगल एंगल क्राइटेरिया। समझ आया बेटे, तो ये कौन सा क्राइटेरिया मैंने लगाया है, बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन द ट्रायंगल आर सिमिलर। एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, नो। नाउ वी विल टेक अनदर वन क्वेश्चन मोर।
अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला नाइन्थ क्वेश्चन। एक बार फिगर बना रही हूं मैं और ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अगर आपको अभी मेरे दो क्वेश्चन पिछले समझ आए हैं तो ये क्वेश्चन और इजी तरीके से आपको समझ आएगा। एबीसी और एएमपी आर टू राइट ट्रायंगल। एबीसी एबीसी और एएमपी ये दोनों राइट ट्रायंगल है। राइट का मतलब ये एंगल भी 90 है और ये वाला एंगल भी 90 है, ठीक है। ये दो एंगल आपके कैसे एंगल हैं? 90 डिग्री है। आपको क्या प्रूव करने हैं? ये तो बी पर 90 है और ये एम पर 90 है। आपको क्या चीज प्रूव करनी है? आपको प्रूव करना है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल एएमपी के। और सेकंड चीज आपको सीए अपॉन में पीए इक्वल टू बीसी अपॉन में एमपी। यस स्टूडेंट, क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है तो वी विल टेक दिस क्वेश्चन ओनली, ठीक है। तो हमारे पास ध्यान से देखो, एक तो मुझे क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एएमपी प्रूव करना है, सिमिलर करना है मुझे। तो इस वाले ट्रायंगल का एबीसी का एंगल बी 90 है और इस वाले ट्रायंगल का एएमपी 90 है, ईच 90 डिग्री, ठीक है। ध्यान से देख लो बेटे, और इस वाले ट्रायंगल में भी एंगल ए आर है और इस वाले ट्रायंगल में भी एंगल ए आर है। आप कहेंगे कि मैं ए इक्वल टू ए लिख दूंगा, ऐसे नहीं लिखना। आपने जब ये ट्रायंगल ये वाला पूरा लिया है तो इसको लिखोगे सी ए बी, और जब आपने ये वाला ट्रायंगल लिया है तो इसको आप लिखोगे पी ए एम, ठीक है। ये आपका आ गया कॉमन। तो पहली चीज आपकी प्रूव हो गई, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो बस लास्ट वर्ड ये याद रख लेना, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं और प्रोपोर्शनल होती हैं। तो कैसे प्रोपोर्शन बनाएंगे? ये प्रोपोर्शन बना हुआ है सी ए अपॉन में पी ए, तो किस तरह से बना हुआ है? इसके लास्ट टू डिजिट ले रखे हैं सी ए अपॉन में इसके लास्ट के टू डिजिट पी ए, इक्वल टू हमारे पास है, अगर इसके लास्ट के मैंने बीसी लिया है तो इसका लास्ट का क्या है? पीएम। तो ये हमारा क्या आ गया? सिमिलर आ गया। लेकिन वर्ड क्या लिखूंगी? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ये लाइन लिखनी जरूरी है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये नोट कर लो लाइन, इसे आप सीपीएसटी भी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म है सीपीएसटी। जैसे सीपीसीटी लिखते थे ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, ऐसे ही यहाँ पर लिखोगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो हमारे अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी हमारे क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। नाउ दिस एक्सरसाइज का, ये वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन 9 तक आपके मैंने करा दिए हैं। You have to revise these question, ठीक है? If there is any doubt, tomorrow we will take the doubts of this exercise or last two exercise, ठीक है? आप revise करके आना student. अगर आपका कोई doubt होगा, then I will take your doubt tomorrow, ठीक है? In the class and you have to revise it. और आज का जो topic कराया है, इससे related अगर कोई doubt है, then you can ask. अगर आपका इससे कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने आज 3 क्वेश्चन कराए हैं, देन यू कैन आस्क। अदरवाइज टाइम ओवर हो गया, मीटिंग इज एंडिंग।